हाय गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूँ रुधीर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं आरएन न्यूज चैनल से, आरएन न्यूज रिपोर्टर चैनल से, छोटू को मिला इंसाफ, आरती के पूरे परिवार को हुआ उम्र कैद। आरएन न्यूज को स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ट्यूजे आरती, अभी आपके परिवार में कौन कौन बचा है? वहाँ पे दो भाई है मेरे और मम्मी दादी सब। दोस्तों, सिविल कोर्ट ने आरती के 8 फैमिली मेंबर को सजा सुनाई है उम्र कैद का। लेकिन अभी भी हमें गलत ठहराया जाता है कि ऐसा बेटी भगवान किसी को ना दे। आप गलत कीजिएगा तो आपके साथ, अगर जो गलत आदमी साथ दे दे तो आप बहुत अच्छे हैं। अगर जो वही अच्छे इंसान निकल के आप ही के खानदान में से निकल के आपको बुरा बोलेंगे तो बुरा है। न्याय जो मिला है एक मीडिया के ही कारण न्याय मिला है, नहीं तो केस इतना अगर मीडिया पर नहीं वायरल होता ना तो इतना जल्दी फैसला नहीं होता। कि जो न्यायालय है वो बहुत अच्छा फैसला सुनाया। दोस्तों, इंसाफ हुआ है, बिहार वासियों के साथ इंसाफ हुआ है, उन तमाम बेटियों के साथ इंसाफ हुआ है जिसके माता पिता ऐसा करते हैं। जमीन बेच करके केस में लगा रहे हैं आरती के परिवार वाले। भाई, सब जगह से ये गए, कहीं के नहीं रहे, पूरा जग में थू-थू हो गया, पैसा भी चला गया और बेटी भी चली गई, उसके बाद इज्जत भी चला गया और जेल भी चले गए, कुछ नहीं बचा। अभी बहुत लोग कह रहे हैं कि आरती अपने फैमिली की नहीं हुई तो मोनू के फैमिली की कैसे हो जाएगी, उनको भी धोखा दे देगी। ठीक है, मेरी फैमिली गलत करेंगे तो हम उनका साथ देंगे तो क्या हमें अच्छा बोलेंगे? कोई गलत करेंगे तो उनका साथ आप दे दीजिएगा क्या? यही कहूँगी, शुक्रिया सीएम नीतीश कुमार, न्यायिक व्यवस्था और तमाम वो लोग जो सोशल मीडिया पर इनको देखते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं, इनके लिए अच्छा कमेंट करते हैं और ये कहते हैं कि नहीं, छोटू को इंसाफ तो मिलना चाहिए। दोस्तों, अभी बिहार के अररिया में है और मेरे बगल में आरती है और आरती का पूरा परिवार है। दोस्तों, 2 साल पहले छोटू को मार दिया गया था, आरती के परिवार वाले ने ही छोटू को मारा था। आज बहुत खुशी का दिन है और हम लोग इनके घर पे, 10:30 बज रहा है रात के और ये लोग के चेहरे पे भले स्माइल नहीं है, चेहरे पे भले खुशी नहीं है, लेकिन अंदर से सब लोग बहुत खुश हैं। दोस्तों, सिविल कोर्ट ने आरती के 8 फैमिली मेंबर को सजा सुनाई है उम्र कैद का, जिसका जिसका आरती ने नाम डाला था। तो इसी पर बातचीत करने के लिए हम आए हैं क्योंकि हम 2 साल से कंटिन्यू, मतलब आरती को लेकर के हम चीजें या अपडेट अपने चैनल पर देते रहे। सबसे पहले ये बताइए आरती, आज खुश तो होंगी आप? देखिए, खुश उतना तो खुश तो हमारे ज़िंदगी में कभी आ नहीं सकती क्योंकि हमारे घर के कोई गए हैं, मतलब घर के कोई डेट किए हैं तो थोड़ी खुश हो सकते हैं हम। वो तो बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से लड़ाई लड़ रही थी आप लोग, जितना मेहनत कर रही थी, डर रही थी कि कहीं वो लोग छूट के वापस ना आ जाए। हाँ, तो उसके लिए थोड़ा बहुत खुश हैं। खुश है। तो अभी क्या हुआ, मतलब 9 तारीख को फैसला हुआ है ना सजा का? जी। तो कितने लोग गए हैं? 8 लोग गए। 8 लोग में कौन कौन है? ओ, मेरे पापा, भाई, जीजा और 2 गांव के थे, भाभी, ये सब गए। 6 तारीख को, 6 जुलाई को छोटू को वो लोग मारे थे, है ना? जी जी। अच्छा, एक चीज बताइए, जब कोर्ट में सजा हुआ था तो आप थे वहाँ पे? आप थे अंकल? हाँ, तो कोर्ट में जब सजा हुआ था सिविल कोर्ट में, तो छोटू के पिताजी थे और माताजी थी, तो क्या हुआ था कोर्ट में ये बताइए। देखिए, सजा तो पढ़ के पहले से डायरी बन जाता है ना, और सिर्फ अंदर उन लोग को मतलब अथी में कटघड़ा में बंद करता है और तुरंत उनको सजा सुनाता है, तुरंत उनको हैंडकप लगा करके बंद करवाता है, बंद करवा देता है। तो बातचीत हुआ था आप लोग का वहाँ पे उनसे? नहीं। तो वो लोग सुनते हैं बहुत घमंड में रहते हैं, ये भी आरती भी बताती है कि मेरे पापा, मेरा परिवार बहुत घमंड में रहता है, तो घमंड था। जाते थे ना कोर्ट, हमारे साथ बहुत बेतमीज करता था, हमारे देख देख करके हंसता था, उंगली दिखाता था, बहुत मतलब चिढ़ाता भी था, बहुत चिढ़ाता था हमको, लेकिन हम कभी उनसे लड़े नहीं, हम चुपचाप रहते थे बस। तो यहाँ पे अभी वो लोग बेल पे थे नहीं? हाँ, यहाँ बेल पे आए थे। तो कैसे कोर्ट में क्या बोला गया, कैसे बुलाया गया, आप लोग को जानकारी तो होगा? नहीं, उन लोग को जो है ना वकील को बोल दिया कि से बोल दीजिए इन लोग को 9 तारीख को आने के लिए, हो सकता है अपने अपने मतलब अथी बचने का कोई आवेदन दे, हो सकता है इन लोग को रहा भी हो जाए, रिहा कर दे। हाँ, अच्छा, इसी खुशी में वो लोग जो है वहाँ आए थे, पूरा परिवार गए थे, पूरा परिवार आए थे, मिठाई उठाई बांट करके। लेकिन उसी दिन जो है सजा उनको सजा हो गया। तो
मतलब रिहाई को लेकर के वो लोग कोर्ट गए थे और सजा हो गया उम्र कैद का, है ना? तो सुन रहे थे आप, बहुत रो रही थी कोर्ट में कि कहीं छूट ना जाए, ये लोग बेल पे ना चला जाए। वकील साहब बोले ना, नहीं वकील साहब बोले कि बाहर में जैसे उसका वकील जो था ना वो जा रहा था, वो मतलब हम लोग को सुना सुना करके ये बोल रहा था कि 14 दिन हुआ है बच्चा को, इसको हम थोड़े जाने देंगे जेल में, किसी भी हालत में इसको जाने नहीं देंगे, इसीलिए ये रो रहा था। मतलब किसका बच्चा हुआ है? और रवि कांत को। अच्छा, मतलब आरती की भाभी का बच्चा हुआ है। तो कितना दिन हो गया है? 14-15 दिन हुआ था। 14-15 ही दिन हुआ है बच्चा का? वही जो वकील साहब बोले ना, उसी पर ये रो रहा था, लगता है ये लोग को अब सजा नहीं हो यार। खुद एक माँ बनने वाली थी वो, सजा हुआ है और अब कहीं ना कहीं वो लोग बचाव के लिए हाईकोर्ट जरूर जाएंगे, लेकिन ये लोग भी पूरी तरीके से तैयार है कि भैया सजा तो दिलवा के रहना है, क्योंकि एक लड़के को मारा गया, इस घर के बेटे को मारा गया है, और ये चीज है कि भाई ऐसे हत्यारों को सजा बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसों को सजा नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं और लोगों को बढ़ावा मिलेगा। ये कह रहा था कि उनको सजा सुना दिया है, अगर हाई कोर्ट उनको अगर मतलब सजा कम कर दे या उनको रहाई कर दे, तो जानते हैं अपराधी के कितना मन बढ़ेगा। आप लोग तो लड़ाई लड़िएगा ना? हम तो लड़वे करेंगे, छोड़ना तो नहीं। कानून से न्यायालय से ये कह रहे हैं कि आप उनको जो है कोई ऐसा मतलब अथी नहीं कीजिएगा, या सजा कम नहीं कीजिएगा, या उनको बेल नहीं दीजिएगा, ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि अपराधी का मन बढ़ जाएगा इससे। ये सोचिए, लोग बहुत गरीब फैमिली है, मोनू आरती जो है अभी वीडियो बना के सोशल मीडिया पे कुछ पैसे कमा लेते हैं, इसीलिए घर चलता है, परिवार चलता है, और केस भी लड़ते हैं, क्योंकि इन लोग के पास पैसे नहीं थे केस लड़ने के लिए, जो पैसा यूट्यूब से आता था ये बेचारा केस में लगाते जाते थे। तो आरती, अभी आपके परिवार में कौन कौन बचा है? वहाँ पे वहाँ पे 2 भाई है मेरे और मम्मी दादी सब। मम्मी दादी और 2 छोटा भाई है ना? जी। तो क्या उम्र है दोनों का? वही 15-14 साल होंगे। तो वो लोग का तो नाम नहीं था ना? नहीं, एक था, एक का था तो नाबालिग में थे वो। अच्छा, अभी बहुत लोग कह रहे हैं कि आरती अपने फैमिली की नहीं हुई तो मोनू के फैमिली की कैसे हो जाएगी, उनको भी धोखा दे देगी। ठीक है, मेरी फैमिली गलत करेंगे तो हम उनका साथ देंगे तो क्या हमें अच्छा बोलेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई गलत करेंगे तो उनका साथ आप दे दीजिएगा क्या? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरा भाई, मेरी भाभी सब लोग जेल चली गई, कहीं फिर आने के बाद हम लोग के साथ कुछ गलत ना कर दे? देखिए, वो सब गलत करवे करेंगे, अगर जब बाहर भी रहते तो मेरे साथ गलत करते हैं, क्योंकि हमें एक शुरू में जब गलत कदम उठा लिए थे तो गलत करने में आगे उन सबको क्या होते हैं। अभी डर तो नहीं लगता ना? अभी तो ऐसे तो हम लोग को जिंदगी भर डर रहेगा। डर रहेगा जी। अच्छा, ये सुन रहे हैं कि जब वो जेल जा रहे थे तो यहाँ से पूरा सज बच के जा रहे थे? हाँ, वो तो मम्मी पापा देखे हैं ना। हाँ, पूरा सज के गई थी भाभी इनकी? सब पूरा स्टैंडर्ड में गए थे। उतना सज के कभी कोर्ट पहले नहीं गया है? नहीं। उनको लग रहा था कि आज एकदम छुट्टी मिल ही जाएगा यहाँ से? सब पूरा खुश में था ना कि आज जो है हम लोग को रहिए हो जाएगा केस को। सब नया नया कपड़ा पहन के खा गए हैं हम लोग, वो लोग बोल रहा था हमको लोग केस के खा गए हैं, मतलब पैसे के दम पे। हाँ, पैसे में मतलब बोल रहा था हम कोर्ट को खरीद लिए हैं। बताइए, एक तो उम्र कैद हो गया, दूसरा जमीन भी बेचना पड़ गया, सुन रहे हैं जमीन बेच करके केस में लगा रहे हैं आरती के परिवार वाले। भाई सब जगह से ये गए, कहीं के नहीं रहे, पूरा जग में थू हो गया, पैसा भी चला गया और बेटी भी चली गई, उसके बाद इज्जत भी चला गया और जेल भी चले गए, कुछ नहीं बचा। हे भगवान, मतलब ये तो वही वाली बात हो गई कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, है ना? वो कहते नहीं है, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, भाई एक मासूम लड़के को तुमने मार दिया, ठीक है, और वो भी कोई ऐसे वैसे नहीं कि झटके में एक मार दिया हो, है ना, कि गुस्से के आवेग में तुमने मार दिया हो, क्रोध के आवेग में तुमने मार दिया हो, नहीं, सारे मिल के प्लानिंग करके उसके बाद जानबूझ के उसे टॉर्चर किया गया, कितनी देर तक उसे टॉर्चर किया गया और उसके बाद उसे करंट लगा के मार दिया गया। सोचो हैवानियत की कौन सी हद होगी, वो सोचो कौन सी हद होगी। और अब जब सजा मिलने वाली थी तो सारे के सारे जो सब तैयार होके गए थे कि हाँ भाई हम तो छूट जाएंगे, हमने तो कोर्ट को खरीद लिया, कोर्ट तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, समझ आया? कचहरी जो है वो तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। मैं मानती हूँ यार, हमारे देश में कानून बहुत स्लो है,
बहुत स्लो है और कई केसेस में तो गुस्सा भी आता है, लाइक वो पुणे वाला केस जो हुआ अभी, एक और फिर से एक केस हुआ है मुंबई में ही, ठीक है। तो इस टाइप के जब वो देखते हैं तो ऑफ कोर्स गुस्सा आता है कि यार पावरफुल फैमिलीज जो होती हैं वो इन्फ्लुएंस कर देती हैं सिस्टम को, ठीक है, वो इन्फ्लुएंस करती हैं सिस्टम को, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग बच जाते हैं, है ना। लेकिन फिर भी यहाँ पे बिहार के इस अररिया के जिला न्यायालय ने जो फैसला किया है ना, बहुत ही सही किया है, बहुत ही बढ़िया किया है। ऐसे लोगों को उम्र कैद ही होनी चाहिए, ठीक है, उम्र कैद भी होनी चाहिए और मेरे ख्याल से जो मेन कल्प्रेट है ना उन्हें तो फांसी भी होनी चाहिए, क्योंकि हत्या हत्या होती है, तुम चाहे मतलब कैसे भी करो, ठीक है। अगर एक सोची समझी साजिश है ये, ठीक है, सोची समझी वो साजिश थी, उसके तहत छोटू को मार दिया उन लोगों ने और बेचारे ये गरीब परिवार के लोग ये सब लड़ रहे हैं। और ये क्या बात होती है, जो लोग भी उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ मार दिया, अच्छा किया, लड़की ने नाक कटा दी, ये वो, भाई शादी करा देते तो क्या जाता तुम्हारा, हैं? लोग कुछ दिन तक बोलते उसके बाद भूल जाते, कि लोगों को अपनी जिंदगी में बहुत काम है। ऐसा नहीं है कि हाँ वो तुम्हारी जिंदगी के पीछे पड़ेंगे, तुम्हें ही वो करते रहेंगे, ठीक है, नहीं, लोगों को अपनी जिंदगी में भी बहुत सारे काम करा देते, शादी वो अपने घर में खुश रहती, तुम अपने घर में खुश रहते, लेकिन नहीं, अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, सिर्फ अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए एक मासूम की जान ले ली, और वो भी सोच समझ के। तो ऐसे लोगों को सजा नहीं मिलनी चाहिए? तुम्हारे परिवार में किसी के साथ ऐसा होता तो तुम क्या करते, बताओ? तुम केस नहीं लड़ते, तुम न्याय नहीं मांगते, तुम क्या नहीं मांगते, तुम क्या करते? खैर, आगे की और बातें देखी जाएंगी यार, कि हाँ मतलब अगर ये लोग हाई कोर्ट जाते हैं, बहुत अपने पैसे का घमंड दिखा रहे हैं, जबकि सर जमीन सब बेच कर उसके बाद कोर्ट केस लड़ रहे थे, क्या फ़ायदा हुआ उस चीज़ से, है ना। तो अगर ये लोग आगे कोर्ट जाते भी हैं हाई कोर्ट में, तो यार हम तो बस यही उम्मीद करेंगे कि हाँ न्यायालय जो है वो अपना, हाई कोर्ट जो है वो अपनी आँखें खुली रखे, हर चीज़ को देख कर, एक जान गई है, एक इंसान की जान गई है, ठीक है, और बहुत दर्दनाक तरीके से गई है, उसको ध्यान में रखते हुए ही फैसला सुनाए, ठीक है। तो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो में